हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। ज्योदीप ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज का ब्लॉग इस प्रकार है कि आपने देखा होगा इसके पिछली क्लिप्स में, ये लोगों का फोटो शूट कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा पिछली क्लिप्स में कि वो ऑफिस पार्टी था, फिर हम लोग वहाँ पर इंजॉय करा, बहुत सारी मौज मस्ती करी, उसके बाद फिर हम रात को घर पे आई हूँ। और आज संडे सॉरी सैटरडे है, हम लोग निकल रहे हैं मसूरी के लिए, बिकॉज कल हमारा एनिवर्सरी है मेरा और इनका। और बस अब निकल रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, बस टाइम हो गया, बस निकलना है जल्दी से। और इधर हो रहा है फ़ोटो शूट, हाय तो कर लो। तो अब निकल रहे हैं, निकल के आप लोगों को पहुंच के फिर मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स। ट्रेन छूटने बस 2 मिनट बाकी है। वो गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे, उनको भी पीछे रह गए, मैं बस भाग के आ गई हूँ। ट्रेन खड़ी है, बस चलने वाली, डर से हार्ट बीट से बढ़ रहा है कि ट्रेन छूटेगी या पकड़ लेंगे, छूटेगी पकड़ लेंगे। आ रहे आ जाए बस। फाइनली हम लोग जो है ट्रेन पकड़ लिया है, पहुँच गए। और सो फ्रेंड्स, हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं और ये देहरादून का रेलवे स्टेशन है। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, देखते हैं, इन्होंने होटल वगैरह बुक करा हुआ है, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, हमने जो है रूम जो है चेक इन कर लिया है और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए बाहर, देखते हैं क्योंकि होटल का थोड़ा सा एक बताओ रूम को। अभी हमने चेक इन किया, सुबह चेकआउट होता है ना, अभी हमने रूम जो है चेक इन कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं कुछ बाहर खाने के लिए, क्योंकि होटल का खाना बिल्कुल भी मतलब ट्रस्टेड वाला नहीं होता है, क्योंकि वो पता नहीं कब का बना हुआ होता है, क्या दे देते हैं, कुछ भी पता नहीं होता। तो वहाँ पर हम नहीं जाएँगे, वहाँ कब जरूरी, हम नहीं खाएँगे। तो हम जा रहे हैं बाहर खाने के लिए और आप लोग मज़े लीजिए। देहरादून कुछ अभी तो डिफरेंट है नहीं, अभी तो हम देहरादून में ही हैं स्टेशन के पास में, सुबह हम लोग निकलेंगे मसूरी। और हम लोग फाइनली पहुंच गए रेस्टोरेंट में और ये पता नहीं किस सोच में डूबे हुए थे, मैंने ऐसे इनका क्लिप्स ले लिया क्यूट से लग रहे थे बस। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम की जड़ है अबकी बार तुम्हें, मैंने इतनी बार बोलता रहता हूँ ना कि मैं तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ऐसी वॉच है ये, अब तुम्हें सब कुछ बताएगा, तुम कितना योगा करती, कितना सोती हो, कितना पैदल चलती हो, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, तुम्हारा हार्ट बीट क्या है, BP क्या है, A to Z। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हो गया नेक्स्ट डे और अब हम लोग रेडी हो गए, हम निकल रहे हैं मसूरी के लिए, इधर ही रहे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मसूरी और यहाँ पर देख रहे हैं कैसे जाना है कैपिटल फॉल, और ये इन्होंने पैकेज डाल रखा है कैसे कैसे क्या 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 है। फ्रेंड्स, हमने केक ले लिया है और बस हम जा रहे हैं गाड़ी के पास, क्योंकि जो है गाड़ी यहाँ पे रुकती नहीं है, तो हम लोग गाड़ी आगे चली गई, हम लोग आगे जा रहे हैं। ये हम लोग एम्प्टी फॉल पहुँच गए हैं और हम लोग नीचे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे कैप वगैरह है, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, अच्छी मार्केट है वैसे।
सुनो ना, ये चाबी ठीक हुआ है क्या? पूछना कितने का है। हाँ भाई, कितने का ये? 150 का। ओके, 150 का, अच्छा था। बट बहुत एक्सपेंसिव मिलता है आपको तो। भीड़ कितनी है? तीन वाला क्यूटी फॉल था। यहाँ पे हम लोग नहीं आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। फिर एक अंदर था, हम लोग वहाँ पे गए थे एंट्री करके, वहाँ थोड़ा सा क्राउड नहीं था। अच्छा, सो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ चेंज कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ। अब हम मतलब मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं केक कटिंग के लिए। और मैंने साड़ी पहना है केक कटिंग के लिए, आप लोग देख सकते हैं। मुझे पहननी नहीं आती बट मैंने ऐसे ही एवं लपेट लिया है। और पहले हम स्विमिंग उसमें बोटिंग में बैठ करके के कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर चेंज करेंगे, फिर हम स्विमिंग करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोग आगे आ जाओ तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। उल्टा जा रहे हैं वो, तो आगे जा रहे हैं ना, हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा जी, क्या क्या आती है? चलो निकल कर बाहर, तुम भी आओ। तुम ज्यादा नौटंकी करो मत, ज्यादा देर। तुम भी आओ, फिर बहुत ठंडा पानी है। आप भी आओ। कर दिया ठंडा वाला पानी। वाह, ठंडा पानी है ना। सही, स्विमिंग करने तो आ नहीं, वैसे लग रहा है कि मछली का बच्चा। ठंडा पानी है ना? ठंडा पानी है कि नहीं है बताओ। हाँ, वीडियो बन गए। आप वीडियो बना रहे हो? जब वीडियो स्टार्ट होगा तो। फ्रेंड्स, हमने केक कटिंग कर ली है, अब हम चेंज कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं स्विमिंग करने। सो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट। सुनो ना, क्या नाम है इस मंदिर का? इसमें बोलो ना। अच्छा, इसमें बोलो क्या नाम है? संतूरा माता मंदिर। संतूरा माता मंदिर, ठीक है। और हम आपको मिलाते हैं अपने न्यू फ्रेंड से। ये है, अपना नाम बता दो यार, भूल जा रही, सॉरी। हमारे ये न्यू फ्रेंड है, हमें मिल गए थे और बस मिल गए, मिलना लिखा था हमारा, हम मिल गए, बस इंजॉय कर रहे हैं। और ये लोग भोपाल से हैं। नाम तो बता दो। अपूर्वा, ऋतिक, ठीक है, बाय। ये मंदिर है और यहाँ से बाहर का व्यू जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा जन्नत जन्नत लग रही है, जन्नत। ये हम आ गए हैं बुद्धा टेम्पल।
आप लोग देख सकते हैं बुद्धा टेम्पल। ये रहा यार कैमरा कुछ खराब हो रहा, बुद्धा टेम्पल है ये। क्या हो रहा है ये यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हैं आप, यहाँ का व्यू देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, अच्छा है यहाँ का व्यू, थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स ये हो गया है आज 28 अप्रैल, और मैं आने के बाद थोड़ा सा बिजी हो गई थी। बिजी क्या हो गई थी, थोड़ा सा मतलब आला सारा थक भी गई थी, तो सोचा मैं ये ब्लॉग को जो एंडिंग है बहुत अच्छे से लूँगी घर पे पहुँच करके आराम से रिलैक्स होकर के। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरा ये 3 ट्रिप था, पहले हम लोग गए थे ऋषिकेश, फिर हम गए थे नैनीताल, फिर लास्ट टाइम जो गए थे हम मसूरी। तो अब पता नहीं कब कब कहाँ का ट्रिप बनेगा कुछ आइडिया नहीं है, और पता नहीं कब वीडियो बनाऊँगी ये भी कुछ पता नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि संडे को शूट करने का, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, खूब सारा प्यार कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय, गुड नाइट।